तो भाई आज हम आपको बताने वाले हैं टेक्नोलॉजी के उस साइड के बारे में जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा या शायद थोड़ा बहुत पता हो। आज हम आपको ब्रिटिश के जमाने के, हाँ वही अंग्रेज जो हमारा देश छोड़कर भागे थे, उनके जमाने के कम्युनिकेशन मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। नहीं, मैं पोस्ट ऑफिस के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं रिटन वाले लेटर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं प्रॉपर बताऊंगा वायरलेस मेथड जिसके जरिए ब्रिटिश अपने दूसरे राज्य के ऑफिस से कनेक्ट हो पाते हैं। यार इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट स्टाम्प, इन सब में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ से पत्र जाएगा, उस एड्रेस तक जाएगा, गाड़ी लेके जाएगी कोई, इन सब में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है और पैसा भी। पर हम ब्रिटिश के उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि वो वायरलेसली किसी भी टावर से कनेक्ट कर सकते थे, किसी भी दूर वाले अपने किसी ऑफिस से कनेक्ट कर सकते थे। मतलब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ उत्तर प्रदेश में, तो वो शायद राजस्थान में उनका कोई और ऑफिस होगा, वहां से वो कनेक्ट कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश के जमाने में ये टेक्नोलॉजी थी। चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। ये बात है 1830 और 1840 के बीच की। तब अंग्रेजों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कम्युनिकेशन करने में, क्योंकि कई कई तीन तीन दिन लग जाते थे कम्युनिकेशन करने में, क्योंकि तब वो लेटर भेज के या पोस्ट ऑफिस या टेलीग्राफ करके वो कम्युनिकेशन करते थे। इसलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही मस्त आइडिया सोचा। मतलब उन्होंने नहीं, उनके किसी साइंटिस्ट ने सोचा होगा, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो आइडिया पूरे भविष्य को बदल देने वाला है, क्योंकि उसी की वजह से हम लोग आज इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है वायरलेसली। तो हम उसी जमाने की तरह पोस्ट ऑफिस यूज कर रहे होते, अपने लेटर भेजते दूसरों को, और कभी भी डेवलप नहीं कर पाते। तो भाई 1840 में सैमुअल मॉर्स नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी, मतलब ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस ईजाद किया से हम वायरलेसली कम्युनिकेशन कर सकते थे। पर ऑब्वियसली वो डिवाइस नया था, इसलिए लोग इस पे ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते थे। पर उस ब्रिटिश साइंटिस्ट ने जब ब्रिटिशर्स को अपनी बात, अपना जो आइडिया है वो दिखाया, मतलब कि जो पूरा मॉडल बना के दिखाया, तब ब्रिटिशर्स के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने कभी ये वायरलेस ट्रांसमिशन वाला सिस्टम ही कभी सुना नहीं था। ऑब्वियसली कहाँ से सुना होता, तब पहले कोई था ही नहीं। जब उन्हें ये आइडिया पसंद आया इस ब्रिटिश साइंटिस्ट का, तो उन्होंने इसे प्रोटोटाइप रेडी करने के लिए इजाजत दे दी, मतलब ये पेटेंट करवा दिया इसके नाम पे, उससे ऑर्डर दे दिए कि ये बहुत सारे और बनाओ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इसकी और करो, जिससे कि बहुत सारे ब्रिटिश स्टेशंस आपस में कनेक्ट हो पाए। इससे उनका टाइम भी बचता है और उनकी रिसोर्सेज भी बचती। पर दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये मैसेज जो है ये मॉर्स कोड में जाता था, क्योंकि अगर टेक्स्ट लिखते तो उसमें डेटा ज़्यादा स्टोर होता तो इसकी मेमोरी ज़्यादा होती, पर उस टाइम पे 1 MB का डेटा भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, इसलिए उसे मॉर्स कोड के फॉर्म में भेजा जाता था। और फिर जो दूसरे स्टेशन वाले लोग हैं उसे वहाँ पे डीकोड करते थे, तब उसका आंसर निकल के आ पाता था कि आउटपुट मतलब है क्या। पर यार पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा ही बेहतर है ये, क्योंकि इसमें हमारा टाइम बच रहा है। जब ये ब्रिटिश मार्केट में लॉन्च हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा था, क्योंकि आम सिटीजन तो इसे खरीद ही नहीं सकते थे, तो वो अफोर्ड ही नहीं करते थे, मतलब वो खरीदते ही नहीं थे इसे। 1854 के करीब ये इंडिया में लाया गया, मतलब कि 15 साल लग गए इसे इंडिया में आने में, और इसे सिर्फ ब्रिटिशर्स ही यूज करते थे। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, यही होता है, ये पहले भी आपको मैं इमेज दिखा चुका हूँ, आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये ऐसा होता है। आपको लग रहा होगा ये कौन सी मशीन की डिज़ाइन बना के भेज दी, पर हाँ यही है। इस पर आपको कॉपर लिपटा हुआ दिख रहा होगा, एक जो सर्कुलर पाथ है उस पर कॉपर लिपटा होगा, क्योंकि कॉपर ही सिग्नल्स को कैच करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता था, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो इसलिए इसे सिर्फ ब्रिटिशर्स की आर्मी वगैरह यूज करती थी ओनली। और कमाल की बात यह है कि इसी आविष्कार की वजह से टेलीफोन का आविष्कार हो पाया। टेलीफोन के इन्वेंटर थे, उन्हें इसी से आइडिया आया कि हमें एक ऑनलाइन ऑडियो कम्युनिकेशन का सिस्टम भी बनाना चाहिए, जो कि वायरलेसली बहुत दूर तक ऑडियो वॉइस पहुंचा सके। सोचो गाइस, अगर ये आविष्कार हुआ ही ना होता तो भाई टेलीफोन हमारे पास आज की दुनिया में नहीं होता, और टेलीफोन नहीं होता तो इंटरनेट भी नहीं होता। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लौटें किसी और वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।